जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कटंगी में गौवंश के कटे सिर और अवशेष मिलने पर शुक्रवार को हिंदू संगठन ने बंद बुलाया। कटंगी में स्कूल बंद है, दुकानदारों ने भी अपनी दुकानें नहीं खोलकर बंद को समर्थन दिया। जबलपुर दमोह मार्ग 2 घंटे से जाम है, प्रदर्शन कर रहे लोगों ने रोड पूरी तरह से बंद कर दी है। बजरंग दल और दूसरे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पुलिस प्रशासन की जाँच रिपोर्ट से भी संतुष्ट नहीं है। कटंगी इलाके के तुल्ला बाबा पहाड़ी में बीते दिन 50 से अधिक गौवंश के सिर अवशेष अलग अलग स्थानों पर पड़े मिले थे। जांच में रिपोर्ट में कहा गया कि कुल अवशेष में से 5 ही गौवंश के हैं। जानवरों को अवैध ढंग से काटने के भी सबूत नहीं मिले हैं। कटंगी में 57 गायों को जमा मंजूर करके जंगलों में फेंक दिया गया। बजरंग दल के कटंगी के कार्यकर्ताओं ने जब उसका विरोध किया, पुलिस प्रशासन चेता और सभी शवों का परीक्षण किया गया। हमने ये आशा और विश्वास जताया था कि पुलिस की निष्पक्ष कार्रवाई होगी और सभी दोषियों को तत्काल सजा दी जाएगी। भाई साहब, देखा जा रहा है मध्य प्रदेश में लगातार ये घटना घटती जा रही है, सिवनी में देखा, दमोह में देखा, आखिर क्या कारण है ये घटनाएं हो रही है? सकल हिंदू समाज को चैलेंज किया जा रहा है जिहादियों के द्वारा, और जबलपुर के कलेक्टर के द्वारा इन जिहादियों का साथ देते हुए ये बोला गया कि ये गौवंश नहीं दूसरे जानवरों का अवशेष है। मैं कलेक्टर महोदय से कहना चाहता हूँ कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के पास वीडियो है, आप आके देखें कि अवशेष गौ माता का है या दूसरे जानवरों का है। काटने का टीला वहाँ पे मिला है, गौवंश के टुकड़े वहाँ पर मिले हैं, और आप कहते हो कि गैया नहीं कटी है। मात्र कलेक्टर महोदय के ध्यान के चलते आगे चकाजाम हुआ। आगे प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करती भाई साहब, आप लोग क्या कर रहे हैं? हमारी मांग है कलेक्टर नहीं हटेंगे। 27 किलोमीटर बाद नेशनल हाईवे है, 1 घंटे बाद पूरा नेशनल हाईवे बन रहा है। नाम बता दिए। 4 दिन पूर्व जो 50 से 70 गोवंश के सर मिले थे, शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस प्रशासन ने पोस्टमार्टम करके विश्वास जता के 56 के 56 का नाम लेके रिपोर्ट पेश की। न जाने कलेक्टर महोदय को क्या सूझी, न जाने विदेशी फंडिंग हुई है कलेक्टर साहब को, या मध्य प्रदेश सरकार को गिराना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रही है मनसा, कलेक्टर साहब जाने। कलेक्टर साहब ने शुद्ध में झोटला दिया कि 5 गौवंश के सर हैं, अन्य जंगली जानवरों के सर हैं। माननीय कलेक्टर महोदय यहाँ कटंगी में आए, वीडियो देखे, साक्ष्य देखे, एसी केबिन में बैठ करके जो कलेक्टर महोदय ने गलती की है उसका पूरा जबलपुर प्रशासन भोग रहा है। इतने शांतिपूर्ण तरीके से जो कटंगी में सब कुछ हो गया था, लेकिन कलेक्टर महोदय की मंशा के कारण ये सब चकाजाम हुआ है और ये सब घटना हुई है। इसका सिर्फ और सिर्फ कोई दोषी है तो वो है कलेक्टर, सिर्फ कलेक्टर। मध्य प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश शासन के सभी विभागों ने ईमानदारी पूर्वक अपना काम किया एवं निष्पक्ष जांच की, जिससे संपूर्ण हिंदू समाज खुश था। लेकिन कलेक्टर महोदय ने रात 12 बजे अपने ट्वीट करके ये पूरे हिंदू समाज को आघात पहुँचाया। कलेक्टर महोदय के आघात के कारण ये जाम हुआ है, सिर्फ कलेक्टर महोदय, बाकी मध्य प्रदेश शासन का सभी प्रशासनों का शानदार सहयोग। ये थी आज की खबर, और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।